हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सिंक क्रिएशन में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे सामने है ये पीसी और इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें नो सिग्नल दिखाता है जब ये ऑन होता है तो। और अभी आपने देखा कि मैंने इसको पावर ऑन तो कर दिया, लाइट भी जल गई, तो हमारा सीपीयू जो है वो ऑन है। ये देखिए, इसका येल्लो लाइट जो है ब्लिंक हो रहा है और लेकिन डिस्प्ले जो है उसमें नो डिस्प्ले ही दिखाता है। एक बार डिस्प्ले को हम नीचे से पावर ऑन कर देते हैं। इसमें डिस्प्ले का ग्राफिक्स जो है वो नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये नो सिग्नल ही दिखाता है, ये ऑन हो जाता है तो भी, और फिर यही इसका मेन प्रॉब्लम है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे करना होगा अनप्लग। तो पहले हम ये इसका स्विच बंद कर देते हैं और इसे हम कर लेते हैं अनप्लग। और तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इसका पावर सप्लाई जो है उसको ऑफ कर दिया है और अब हम इसके सारे ये सब केबल जो हैं उसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे खोलने के पहले। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारा ये है कि जिस साइड पे ये सारी क्लिपें हैं, हम इस साइड से इसको ऐसे करके, क्योंकि कभी भी अगर हम इसको खड़े में खोलेंगे तो हमें भी दिक्कत जाएगा इसको खोलने में, और उसके लिए सबसे सही पोजीशन यही होती है कि जैसे इसका मदरबोर्ड जिस साइड है उस साइड से हम इसको नीचे झुका दें और उसके बाद हम इसके स्क्रू ड्राइवर से इसके ये नीचे के बोल्ट को ओपन कर लें। ये बोल्ट को ओपन करना है, उसके बाद इसे हम पीछे की ओर सरकाते हैं और ये रहा हमारा इसका इंटरनल व्यू। ये मैं आपको इसका पास से व्यू दिखाता हूँ। ये ऐसे तो काफ़ी गंदा है और आप देख सकते हैं ये इसका रैम है, ये वाला, ये इसका हार्ड डिस्क, ये इसकी पावर सप्लाई, ये इसका सीडी ड्राइव। तो जो प्रॉब्लम अभी आ रही है इसमें, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि हमें इसको थोड़ा सा पहले, आप अगर चाहें तो आप ब्लोअर मार के इसका धूल साफ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ब्लोअर ना होने की वजह से मैं वो तो नहीं कर रहा, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ सीधे। पहले तो कि सबसे पहले जो हमें ये CMS बैटरी है, हमें इस बैटरी को करना होगा एक बार चेक। और दूसरी चीज़ कि ये जो हमारा रैम है, ये कुछ इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका ये रैम, ये थोड़ा सा पुराना PC है, 1 GB रैम है और इसका ये हार्ड डिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं, 80 GB का ही है। तो इसे हमें इसके टिप को करना होगा क्लीन। अगर आपके पास रबड़ है तो आप रबड़ से इसको घस सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हमने रैम को अपने मदरबोर्ड से अलग कर लिया है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें लेना है एक इरेज़र और इसकी इस गोल्डन वाली टिप को हमें करना है क्लीन। और इसे क्लीन करने के बाद हम इसे दोबारा लगाएंगे। और बेसिकली जो ये नो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है वो इसी रीज़न से आता है कि जब हमारा रैम प्रॉपर कनेक्ट ना हो या तो हमारी CMS बैटरी के कारण आता है। तो अभी हम ये भी करेंगे, उसके बाद हम CMS बैटरी को भी एक बार निकाल के अगर हो सके तो रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं दो रीज़न से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसे क्लीन करने के लिए हमें दोनों साइड से इसको क्लीन करना है, ये नहीं कि हम एक साइड से क्लीन किए और लगा दिए, उस रीज़न से भी ये प्रॉब्लम नहीं जा सकती है। तो कभी भी हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ें वैसे करते रहनी चाहिए। इससे क्या है, हमारा सिस्टम ऐसे बीच में धोखा नहीं देगा। ये बहुत ही हाई सेटअप नहीं है, ये एकदम नॉमिनल सा है। ये असल में क्या है, मेरे एक कस्टमर का है जिनका एक लैपटॉप बनने के लिए आया था, तो उन्होंने ये ला के दिया है कि उनके सिस्टम में नो सिग्नल आ रहा है।
तो इसे हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम इसे वापस से लगा देंगे। इसको लगाने के पहले हम एक बार ये जो रैम का वो है स्लॉट, उसे भी हम क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो रैम का स्लॉट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी स्लॉट में लगाऊंगा जिसमें ये पहले लगा हुआ था। और आपको रैम लगाना कुछ इस तरीके से है। कभी भी आप ये देख लें, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, ये भी सेम वैसा ही रहता है। एक तरफ छोटा हिस्सा है, एक तरफ बड़ा हिस्सा है। और सबसे इजी है कि जैसे आपने निकाला है वैसे ही आप फिट कर दें, और नहीं तो ये चीज़ तो मतलब कोई भी देख के कर सकता है। ये हमने कर दिया रैम को प्रॉपर फिट। इसके बाद हम एक बार अपने हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर वगैरह, इसे भी हम क्लीन कर लेंगे प्रॉपर। इसे भी हम एक बार ब्रश कर लेंगे ताकि अगर कुछ कनेक्टिविटी में इशू आ रहा हो तो। साथ ही साथ में क्या होता है, प्रॉपर कनेक्शन ना होने की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम आते हैं इसमें। और अब बारी है हमारे CMS बैटरी की। तो इस टाइप से ये बाहर आ गई, ये आप देख सकते हैं। ये प्लेस होती है यहाँ पे, अब ये खाली स्पेस आप देख रहे हैं। इसे ऑन करने के बाद हम एक बार बिना बैटरी के भी इसको हम पावर देके चेक करते हैं, ताकि अगर कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा ये फ़ैन वगैरह वर्क कर रहा है विदाउट CMS बैटरी। तो हम इसे दोबारा से कर देते हैं ऑफ। और अब हम ये बैटरी को वापस से इंस्टॉल करते हैं, और लेट्स चेक कि क्या अभी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले हमें कनेक्ट करना होगा ये डिस्प्ले के पिन। तो आइए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसका पावर कनेक्शन कर लिया है। अब हम इसे करते हैं पावर ऑन और देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा जो सिस्टम है ये ऑन हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें आपने देखा था नो सिग्नल ज़रूर आया था, लेकिन वो नो सिग्नल इसलिए था क्योंकि CPU हमारा ऑन नहीं था। और जैसे ही हमारा CPU ऑन हुआ, हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आपने देखा कि कभी भी अगर आपके PC में अगर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है, तो वो क्यों आती है, क्या रीज़न है, उसका सल्यूशन क्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, है ना। वो छोटी सी चीज़ है जो आप खुद ब खुद घर पे भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको करनी भी चाहिए। वो नो सिग्नल इसलिए आया था क्योंकि मैं इस पोर्ट को यहाँ से हिला रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये हमारा सिस्टम पूरा ऑन हो चुका है। ये देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो हमारा डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है, ये इसका कनेक्शन लूज़ है। ये